क्या बात है, है? बहुत बढ़िया, मतलब सुरीली आवाज। आप दिल्ली से है ना? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली वाले देखिए कितना सुंदर ठेकुआ, ये एकदम सेफ मिला दिए। अच्छा, क्या बात है। तो ऑफ कोर्स जब इतने टाइम से मैं बिहार में हूं, ठेकुआ क्या, तो कुछ भी बिहारी स्टाइल में बना सकते हैं। एक बार बिहारी में बोली, भोजपुरी में बोली। हाँ बोलिए, मैं सासा बोलता हूँ। हाँ बोलिए कि बिहारी लोग के छठ पर्व के हार्दिक शुभकामना। लाइन कर कर कर। अच्छा अच्छा अच्छा। बिहारी लोगों के छठ पर्व के हार्दिक शुभकामना। हार्दिक शुभकामना। छठी मैया रहुआ तमाम लोग के। छठी मैया रैया। छठी मैया रहुआ तमाम लोग के। छठी मैया रहुआ तमाम लोग के। हाँ हर मनोकामना पूरा करस। हर मनोकामना पूरा करस। वेरी गुड, क्या बात है। मुझे आज इसे डाल दे। तेल गर्म हो चुका है और ठेकुआ इसमें जा चुका है। अब देखिए छठ की जो मेन जान है ठेकुआ, वो रेडी हो चुका है। गैस कर देते हैं हम बंद और ये ठेकुआ को हम बाहर निकाल लेते हैं इस तरह से। अब देखिए ठेकुआ तैयार हो चुका है, बस करना क्या है, इसी तरह से परोसते हैं इसको और अपनी छठ को और ज़्यादा मीठा और ज़्यादा क्रिस्पी बनाते हैं। क्योंकि ये जो ठेकुआ है ना, इसकी पहचान ही ऐसी है, बाहर से एकदम कड़क लेकिन अंदर से उतना ही गुड़ में मेल्ट हुआ हुआ। मतलब विश्वास हो रहा है कि बिहार में इतनी मिठास क्यों और यहाँ पे इतने मीठे लोग क्यों हैं। बिहार के लोग नारियल की तरह होते हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ, बाहर से एकदम कड़क, बाहर से करेंगे का कैसन है बा, लेकिन लगेगा कि कैसे है आप बताइए। तो ठेकुआ को परोसते हैं और उसके बाद एक संगीत और हो जाए हमारी छठ की। जिस तरह लोगों ने छठ बनाना शुरू कर दिया है आज शाम से, तो हम चाहेंगे कि जो हमारी क्लोजिंग हो, यानी कि किचन को जब हम बंद करें तो वो छठ की बिल्कुल आरती से करें। ये ठेकुआ हमने बना लिया है, इसे हम दौरा कलसुप पे सजाएंगे और छठ घाट पे पहुंचाएंगे और गीत गाएंगे यही बस। तो शुरू करते हैं, एक काम कीजिए आप, मैं इसको परोसता हूँ और आप साथ साथ में एक धुन गा दीजिए।